कक्षा 9 के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको सोशल साइंस का वार्षिक परीक्षा यानी एनुअल एग्जाम का पेपर बताऊंगा, ठीक है, ताकि आप अच्छे नंबर प्राप्त करो। ये पेपर जो है 100% श्योर आपकी परीक्षा में देखने को मिलेगा, ठीक है। यदि आप इस पेपर को करते हो सोल्व, ठीक है, तो 50 से 60 नंबर की मेरी जवाबदारी है, बिल्कुल अच्छे से आपको मिलेंगे ना। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती? ओडिशा से। कहां से? ओडिशा। ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? तो अपन कहते हैं, देखिए, जो गर्मियों में बहती है ना, उसे अपन कहते हैं लू। भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश है हमारा अरुणाचल प्रदेश। हिटलर के प्रचार मंत्री कौन थे? तो ये जाएगा आपका गोबेल्स। लोकतंत्र जनता का तथा जनता द्वारा जनता के लिए शासन है, लोकतंत्र की यहाँ परिभाषा निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी? अब्राहम लिंकन के द्वारा दी गई थी। पालमपुर गांव में कितने प्राथमिक विद्यालय हैं? तो पालमपुर गांव में 2 प्राथमिक विद्यालय, कितने? 2। भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा जो है अक्टूबर से नवंबर के महीने में होती है, तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं अक्टूबर समानता का अधिकार संविधान में वर्णित डिडेस में से एक है। तो जो समानता का अधिकार है वो संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों में से एक है। दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी आपकी सितंबर 1939 में, सितंबर 1939 में, ठीक है। अगला है आपका नागरिकों का प्रतिनिधि चुनने का जो अधिकार है वो होता है मताधिकार। कृषि एवं मछली पालन डिड्डे से संबंधित है, प्राथमिक क्षेत्र से। बंगाल में अकाल, बंगाल का जो अकाल है वो चावल की कमी के कारण होता है, चावल की, ठीक है। चलिए इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। यहां से सही जोड़ी ना, ये देखिए, पहला जो है उसका जाएगा आपका रूसी साम्राज्य में सक्रिय मुस्लिम सुधारवादी। वाइमर गणराज्य की जो स्थापना है वो 9 नवंबर 1918 में हुई थी। वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज अमेरिका का शेयर मार्केट, कच्चा माल हुआ तथा नगद पैसा, कार्यशील पूंजी। चीन की बात करें तो चीन का जाएगा आपका राष्ट्रीय जनसंसद और खाद्य सुरक्षा अधिनियम 1913। किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं? गोदावरी को। तृतीय क्रियाकलाप के उदाहरण दीजिए, परिवहन एवं संचार सेवाएं। दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? 1900 सितंबर में हुई थी ये, और 1939 में। यूनानी में क्रोशिया का अर्थ होता है, यूनानी में क्रोशिया का अर्थ होता है शासन। वर्साई संधि कब हुई थी? 28 जून। नागरिकों का प्रतिनिधि चुनने का अधिकार क्या कहलाता है? मताधिकार। अब अगला है आपका, भारत में जनसंख्या का वितरण समान है? तो भैया असमान है। दूसरा जो है 940 महिलाएं 1000 पुरुष पर। तीसरा भी आपका असत्य है। चौथा जो है वो असत्य है, जनसंख्या वृद्धि में गरीबी बढ़ती है तो ये सत्य है। और छठा आपका ये पर ये भी सत्य है। अगला देखिए, यहाँ पर व्यापारिक पवने किन्हें कहते हैं? भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से? वनों
ये दो में तो लिखना है वन संरक्षण क्यों आवश्यक है। भारत के दो औषधि पौधों के नाम और गुण लिखना है। यहाँ से देखिए फ्रांसी की क्रांति कब आरंभ हुई थी, इसके दो प्रभाव। द्वितीय इंटरनेशनल क्या था, कार्ल मार्क्स कौन था, ठीक है। ब्रिटिश सरकार ने बस्तर के विद्रोह को किस तरह प्रकार दबाया, स्पष्ट कीजिए। युद्धों से जंगल क्यों प्रभावित होते हैं। लोकतंत्र के खिलाफ तर्क दीजिए। नेहरू जी के अनुसार नए भारत के सपने किस तरह से जुड़े हुए हैं। संविधान संशोधन क्या है। चुनाव निर्वाचन, चुनाव में निर्वाचन का क्षेत्र का क्या अर्थ होता है, उदाहरण सहित यहाँ से देख सकते हैं हिटलर के विदेश मंत्री, विदेश नीति। क्वेश्चन नंबर 19 है, ये 20 है, अब तो बढ़िया से कंप्लीट करो, है ना। जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन है ना, इनका सोल्यूशन मैं आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा, अगले वीडियो में, है ना। ठीक है, बिल्कुल कॉपी में लिखा हुआ पूरे नोट से तैयार हो जाएंगे जब तक, ठीक है, दो या तीन दिन लगेंगे बस, जिसमें आपको फिर उसके बाद में ये पूरा सॉल्यूशन। अब ये बाद में आप वीडियो देख रहे हो जब तक तो डाल चुके होंगे, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, देख लेना, है ना। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में।